एक ऑटो आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिकार उसी के अंदर है। ए, सब लोग तैयार हो जाओ रे, शिकार ऑटो में आ रहा है। असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। दम नहीं है, खोखला हो गया तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। तो तू है विटनेस। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। और तेरे किराए के टट्टू मारी की मुझका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। विटनेस को लाने से डर गया क्या? तूने अपन को एक चांस दिया था और आज अपन तेरे को खैरत में एक चांस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को फोकट में टपकाया है। इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक कान गुर्दा कलेजा फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चांस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा, लेकिन भगवान के पास जरूर देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे। तोड़ ले, मारना, हटना। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। इफ यू आर बैड, I am your dad. विटनेस के डिटेल बताए बगैर विटनेस को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता योर ऑनर। हमारी डिमांड है कि विटनेस के बारे में जानकारी दें। अगर उसका नाम बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है योर ऑनर। विटनेस ना पेश करने के कारण केस को सुबह तक मुलतवी किया जाता है, लेकिन कल विटनेस को हाजिर करना ही होगा। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि कल विटनेस को प्रोटेक्शन के साथ अदालत में पेश किया जाए। डिपार्टमेंट आपके साथ है। कोर्ट डिसमिस। विटनेस अगर कोर्ट तक पहुँच गया तो तू जहन्नुम पहुँचेगा। उसे ढूंढने के लिए सिर्फ आज की ही रात बची है। IPS होके तू उसे ढूंढ नहीं सका, ना लाए रे तू। पेपर्स पूरे हैं ना आपके पास? चलिए वहां चल के बात करते हैं। यहाँ खड़े खड़े किससे बात कर रहे थे? नहीं, किसी से नहीं। बहुत मुश्किल से केस तैयार किया है। ऐसे में तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि पुलिस की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो पाए। आप अभी तक खबरी का पता नहीं लगा सके सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ मैडम, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है सर। डॉगी दिन भर चाहे कहीं भी रहे, पर शाम होते ही वो सीधा अपने मालिक के पास पहुंचकर उसके तलवे चाटने लगता है, बिल्कुल वफादार खबरी की तरह। मैंने सुना है कि आज मारी कोर्ट आया था, हमें उससे मिलना चाहिए। किस मुंह से मिलेगा अपन? तुम्हारा तो दोस्त था ना? दोस्ती निभाएगा। केसरी घर पर है? हाँ है। हाँ बैठिए। अरे शनि, आज चांद किधर से निकला? कैसे है तू? मैं एकदम मस्त हूँ, तू कैसे है रे?
कट रही है। आजा। काली मारी का बेटा। जब सुना तू दुनिया में आयला है तो तेरे से मिलने के लिए दिल बहुत मचला, पर तेरे बाबा की अपने पे हटी हुई थी इसलिए आया नहीं। क्यों हटी हुई थी बापू की? फॉल्ट अपुन की थी जो तेरे बाबा पे शक किया। पापा ने आपकी धुलाई नहीं की क्या? काश अपने को धोया होता उसने, पर मेरे को माफ करके चला गया यहाँ से। पर अपुन ने जो काम किया वो माफी लायक नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। आपका नाम केसरी है ना अंकल? हाँ छोटे, तेरा बाबा मेरे को याद करता है क्या? हाँ हर रोज। क्या बोलता? बोल। केसरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर एक गलतफहमी की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। केसरी भाई का घर यही है क्या? अंकल पापा आ गए। खाना खाया करे? हाँ पापा। अभी बोलने का क्या? तेरे को मालूम है अपन दोस्ती के नाम पर धब्बा निकला। ए, अरे छोड़ना, रात गई बात गई, एक ही बात को बर्तन की तरह मांझ रेला है। अरे रो का ही गुरा है, तेरे पे सेट नहीं होता है, भाभी क्या सोचेगी? मारे अपन इन्फॉल्वर नहीं है। पता है रास्ते में हूं, बस पहुंच रहा हूं। देखो भी जाब, ये सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुझ पे भरोसा करके आपुन ने इन्फॉर्मेशन दिया और तूने आपुन केज कब्र खोद डाली। मुझ पर शक करना बंद करो भीजा, मेरा कोई इन्फॉर्मर नहीं है। मेरे लिए बस तुम ही एक इन्फॉर्मर हो, वो जो जॉइंट सेक्रेटरी विजय है शायद उसने भेजा। ए, ज्यादा शान पट्टे मत कर, और अब तो मारी ने भी बोल दिया कि कोई दूसरा इन्फॉर्मर है। ए, डबल गेम खेल रहा है। तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते हो इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम्हें उठाकर जेल में डाल सकता हूँ, समझे? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टेट में गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ये इन्फॉर्मर है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई और हो, मुझसे बड़े लेवल का ऑफिसर हो सकता है। कैसे कह सकते हो कि मैं हूँ? मुझ पर शक मत करो। पता चल गया कमिश्नर, तू ये इन्फॉर्मर है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पागलों की तरह दिन रात तुझे बचाने के लिए इन्फॉर्मर ढूंढता रहा। इन्फॉर्मर तो तू खुद है, फिर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? हाँ बनाया ताकि अपना पुराना केस क्लोज कर सकूं। अबे एसीबी, तुझसे एक काम तो ठीक से होता नहीं, तू अपन से सवाल पूछेगा? काय को इतना फड़फड़ा रही है? अंडे में से निकल फिर पर फड़फड़ा। अच्छा तो बेटा इस खेल का कोच तू है क्या? सच की मछली पकड़ने के लिए इन्फॉर्मर नाम का चारा फेंकना पड़ा। क्या हुआ, हलक में आ गई? पहचाना, ये वही लोग हैं जो तेरी वजह से जेल में पत्थर तोड़ रहे थे। तुमने बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आया, मुझे झमेले में नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चमचे को क्या पकड़ रहा है? गद्दारी का पतीला इधर है।